हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एग्जाम भी मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेबी फेज वन पेपर टू जनरल स्ट्रीम के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको ऑल फिफ्टी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आंसर्स क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि, कि किसी किसी क्वेश्चन में आंसर क्या था वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है सो फर्स्ट क्वेश्चन था जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया पूरे इंडिया में है एप्लीकेबल uh, या एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज है ऐसे ऑप्शन थे एक्सेप्ट लक्षद्वीप है या एक्सेप्ट अंडमान निकोबार है ऑफ दीज ऑप्शन पूरे भारत में एप्लीकेबल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया सेकेंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज अ मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल तो यहाँ पे आंसर होगा आपके ऑप्शन थे प्रेसिडेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा स्पीकर तो यहाँ पे जो लोकसभा स्पीकर है वो आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन था रेंट फॉर इलेवन मंथ पेड एंड रिकॉर्डेड इन जर्नल बट रेंट फॉर ट्वेल्थ आउटस्टैंडिंग एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज अ अशन ऑफ ऐसा कुछ क्वेश्चन था इसका आंसर होगा जो है उसका वायोलेशन हो रहा है इस केस में फोर्थ सीबीडीटी इज अ अटैच्यूटरी बॉडी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे ऑप्शन थे सीजीएसटी आई जी एस टी डायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस फिफ्थ क्वेश्चन एज पर दिट्यूशन एग्रीकल्चर इज इन विच लिस्ट सो यहां पर ऑप्शन थे, थे आपका जो आंसर होगा वो स्टेट लिस्ट होगा यहाँ पे देन वॉट डी इन एल सी आर स्टैंड फॉर सो एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो सो सी क्या हो जाएगा कवरेज अब आपका जो क्वेश्चन था एक तरह से पेपर टू बहुत इजी था जिस तरह से आपके आपका सिलेबस था लेकिन जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी थी तो आप यहाँ पे ऐसे घबराए नहीं कि हमने कंपनीज एक्ट एक्ट में इतना कुछ पढ़ा वो सब आया नहीं वो आपके फेज टू में काम आने वाला है तक आज के क्वेश्चन की बात है तो मैं कहूंगी जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी होगी वो भी ट्वेंटी क्वेश्चन तो क्योंकि फोर्टी आपको लेके आना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो ट्वेंटी तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन थे ही जो आप आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी थी तो आप कर पाते इसीलिए कभी भी लास्ट मिनट में घबरा के हमें एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए अब देखो ये सारे क्वेश्चन जीएसटी एप्लीकेबल टू सी इन एल सी आर स्टैंड सी बी डी टी इज अ स्टेच्यूटरी बॉडी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सो ये सब थोड़ा थोड़ा भी आपने अगर न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते रहे हैं आप आराम से कर पाते और चूंकि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो एक्सपेक्टेड है कि आप इतना पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है when there is is no partnership deed, how is profit distributed among partners? अब इसमें जो ऑप्शन ज्यादातर लोगों ने क्योंकि लॉजिकली हमें यही लगता है कि जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए लेकिन एक्चुअली जो रूल है उसके अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट So, यहाँ पे आंसर इक्वली होगा सो so, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन थे चेक, नोट, नोट, करेंसी लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेंसी नोट्स नाइन्थ गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम टू प्रमोट विमेन स्किल्स सो यहाँ पे कौन सा स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि स्टेप स्कीम तो यहाँ पे स्टेप स्कीम है इसका करेक्ट आंसर जो कि स्किल्स विमेन के स्किल्स को प्रमोट करने के लिए है नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कंपनीज एक्ट 2013 सो 7 क्योंकि आपका पूरा सिलेबस में कंपनीज एक्ट था तो ये तो बहुत ही बेसिक है जरूर आपको इसका आंसर मालूम होगा नेक्स्ट एनबीएफसीस आर रेगुलेटेड बाय अब इसमें ऑप्शंस थे सेबी आरबीआई सिडबी इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे यहां पे जो आ, आपका आंसर होगा आरबीआई मेरे ख्याल से हर वो परीक्षार्थी हर वो कैंडिडेट जो बैंकिंग और सिवी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसको ये answers, ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फिनांशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पांसिबल फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट एंड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइजेस इट इज से बी डी टी इन डी टी ए स्टैंड फॉर इन इंटरनेशनल टैक्स एरीना तो आप देखेंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनके सिर्फ फुल फॉर्म पूछे गए थे एक्चुअली पूरा फुल फॉर्म भी नहीं उसके कुछ लेटर uh, को उठा के कि वो किसको स्टैंड करता है किस किसके लिए स्टैंड करता है सो डी टीज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ओके तो तो पे आपको सिर्फ DT पूछा गया था डबल टैक्सेशन इज द करेक्ट आंसर वहां पे था डबल टैक्सेशन डोमेस्टिक टैक्स ड्रैकोनियन टैक्स लाइक दैट सो आंसर इज डबल टैक्सेशन हु आर पेड एट द लास्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे एंड में किन को पैसा मिलता है पब्लिक डिपॉजिटर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सो so यहाँ पे होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हमेशा हम देखते हैं आरबीआई के फंक्शन uh, में हमें ये मिल जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है आरबीआई फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक फिर फुल फॉर्म मिल गया यहाँ था एक यहाँ था एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था नेक्स्ट वॉट इज गिवेन टू डिबेंचर होल्डर्स सो यहाँ पे फिक्स डिविडेंड फिक्स इंटरेस्ट रेट वोटिंग राइट्स, शेयर इन प्रॉफिट्स, आंसर होगा फिक्स इंटरेस्ट रेट ठीक है नेक्स्ट वेन बिल ऑफ एक्सचेंज आर पेड इन पार्ट इट इज कॉल्ड ऑप्शन थे एस्क्रो बिल्स बिल्स ऑफ सेट्स सो यहाँ पे बिल्स uh, ऑफ आपका आंसर होगा Contribution to production is Indian rupees 40,000 and sales is Indian rupee 2 lakh. Find the PV ratio. So contribution to production here 40,000 and sales here 2 lakh. So 5 zeros. So 4 zeros, 4 zeros cancels and 1 by 5. So it is 1 by 5. That means 20%. So simple formula based the basic question. Debit what comes in and credit what goes out. So this is बहुत ही सिंपल था इजिली किया जा सकता था नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रोसेसिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सो ऑप्शन फीडबैक एंड कंट्रोल सो फीडबैक एंड कंट्रोल वुड बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चार्जिंग कम्स अंडर विच सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन सेक्शन वन टू थ्री और फोर इसमें से कौन सा सेक्शन भी था एक ऑप्शन सो आंसर वुड बी सेक्शन फोर

तो मेरे ख्याल से ये भी आप कर पाए होंगे अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी बी एस सी इज लोकेटेड एट जो बी एस सी है वो कहा लोकेटेड है इसके जो ऑप्शन थे नरीमैन पॉइंट मुंबई बीके सी मुंबई दलाल स्ट्रीट मुंबई सो so, दलाल स्ट्रीट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज डन बेस्ड ऑन सो इसमें ऑप्शन थे सी आई एन पैन टैन आधार आपका आंसर होगा पैन नेक्स्ट एट द इनकॉपोरेशन ऑफ कंपनी डैश इज इशूड बाई सी आर सी यहाँ पे होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ये थे अलग अलग इसका सही आंसर होगा टी डी एस कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर क्राइम साइबर क्राइम कुछ और ऑप्शन थे सो so, ये तो आजकल क्लास वन में ही पढ़ाया जाता है बच्चों को सो so, क्लास वन क्लास टू में तो इसका साइबर क्राइम वट इज द लॉ ऑफ डिमांड सो इट इज चार ऑप्शन थे आंसर वुड बी वेन प्राइस राइजे क्वानिटी डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्रिएट वेब पेजेसर यहां पर होगा एच डी एम एल डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे लाइक जावा सी प्लस प्लस जी यू आई एच डी एम एल सो यह भी कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ गया था पेपर टू में काफी बेसिक क्वेश्चन है नारायण मूर्ति इज रिलेटेड टू और फाउंडेड विच कंपनी इन्फोसिस मेरे ख्याल से ये सबको ही पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ डी आई इन फॉरिन कंट्री नॉट इन वस होम कंट्री सो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन थे होल्डर ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल फंड ओनरशिप इन मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी होल्डर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ डिवेंचर्स तो यहाँ पे ओनरशिप इन मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी वुड बी योर आंसर 34 एसेट वाज गिवन 36000 लायबिलिटीज 16000 इक्विटी फाउंड करना था अब आपको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट हमेशा लायबिलिटी के बराबर होता है ठीक है और इक्विटी किधर होती है हमेशा लायबिलिटी साइड में सो so, 36000 माइनस 16000 वुड बी 20000 तो आपका क्या हो गया इक्विटी इक्विटी हो गई 20000 20000 करेंट रेशियो इज अ अब यहाँ पे था कि ये कौन सा रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो है या सॉल्वेंसी रेशियो है या एफिशिएंसी रेशियो है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है या गियरिंग रेशियो है तो ये सबसे बेसिक है करेंट रेशियो जो है वो लिक्विडिटी रेशियो है मतलब कंपनी के पास कितना लिक्विड मनी है उसके आगे तुरंत आने वाले खर्चों को बेयर करने के लिए ठीक है देन भारत बॉन्ड ई टी एफ इज फॉर सो इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट रैंड कंपनीज सो आंसर होगा गवर्नमेंट रैंड कंपनीज देन नेक्स्ट वॉज फुलिस इज क्रिटिकल पाथ मेथड एक फिर आपका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया

तो बीपीडिया में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये सारे आपको बीपीडिया में कवर हुए हुए हैं चाहे वो पेपर टू के क्वेश्चन हो या आपके जनरल अवेयरनेस के अगर वो करंट अफेयर्स के हैं ठीक है यहाँ पे ये ये लिमिट जो है थ्री हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड कर दी गई थी सिक्स हंड्रेड मिलियन ओके ऑप्शन थे थ्री फिफ्टी सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड टू फिफ्टी तो सिक्स हंड्रेड जो है करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट जस्ट इन टाइम इज था ये शेड्यूलिंग है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है ओके लेटस सी द नेक्स्ट वन विच सिम्बल इज देयर इन मेक इन इंडिया लोगो सो मेक इन इंडिया में लायन का सिम्बल है म्यूनिस्पल टैक्स इज रिकॉर्डेड एज पर सो हियर द आंसर वुड बी ऑप्शन थे अक्रूवल बेसिस ड्यू बेसिस ड्यू एंड अक्रूवल बेसिस तो यहां आंसर होगा अक्रूवल बेसिस स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड यहाँ पे ऑप्शन थे क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में क्रिप्टोग्राफी डेमोग्राफी कार्टोग्राफी इस तरह से ऑप्शन थे यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ड आ रहा है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ये होगा डेमोग्राफी ओ इन शॉर्ट मीन्स सो स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपॉर्चुनिटीज थ्रेट ज सो यहाँ पे ऑपरचुनिटीज हो जाएगा आंसर जो गलत ऑप्शन थे बैलेंस शीट सो इसमें था करेंट असेट शॉर्ट टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन करेंट लाइबिलिटी सो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन देन नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीसॉफ्टवेयर इज यूज फॉर विच पर्पज इन इंडिया टेलीसॉफ्टवेयर इज यूज फॉर विच पर्प इन इंडिया सो इसमें कुछ ऑप्शन थे आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अकाउंटिंग होगा बी एस सी एग्रीकल्चर रिलेटेड टू ऑप्शन थे बी आई टीम बी एम सो यहाँ पेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट ये क्वेश्चन था सो so, ऑप्शन थे प्रॉफिट प्रॉफिट रिजर्व तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रॉफिट नेक्स्ट मार्केट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इज नोन एज आंसर इज बुलियन मार्केट एंड नेक्स्ट करेक्ट so, ऑप्शन हो जाएगा सी आई एन कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो सी आई एन नंबर दिया जाता है जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको डी आई एन नंबर दिया जाता है जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको दिन दिया जाता है डी आई एन नंबर कंपनी को सेन दिया जाता है ठीक है यहाँ पे आज के पेपर के बाद अगर आप में से कोई भी कहता है कि आप ये पेपर टू क्लियर नहीं कर पाएंगे कट ऑफ फोर्टी परसेंट का तो आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपने अपनी अपना काम अच्छी तरह से नहीं किया है अपनी तैयारी पे आपने ध्यान नहीं दिया है अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आप अभी से शुरू कर दें अगले साल के लिए या अगले आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आप में से ज्यादा लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हुई है कॉन्फिडेंट है कि आराम से 40 परसेंट यहाँ पे क्लियर हाँ हो जाएगा एक्चुअली दे आर कॉन्फिडेंट कि मोर देन 50 परसेंट दे विल दे वुड बी एबल टू स्कोर तो आप कल से आज तो आप रिलैक्स करें कल से आप अपनी फेज टू की प्रिपरेशन प्रिपरेशन शुरू कर दें और क्योंकि फर्टी डेज है वहां पर भी आप अगर ऐसे सोचेंगे कि अभी तो फर्टी डेज है तो टाइम निकलते देर नहीं लगेगा सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू Thank you friends, thanks for watching.